दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों मौसम विभाग ने लेटेस्ट और बड़ा अपडेट अलर्ट जारी किया है। दोस्तों मौसम में होने वाला है बड़ा परिवर्तन। आने वाले 10 से लेकर 17 मई तक देश के अलग अलग भागों में होने वाली बारिश, साथ ही हम जानेंगे आज करेंगे 9 मई का मौसम। तो जानते हैं लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। चलते अपडेट की ओर, जान लेते हैं क्या है मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले जानते हैं 9 मई के दिन कैसा रहेगा मौसम। दोस्तों उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा तमिलनाडु के बाकी इलाकों में तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की फुहारें देखने की संभावनाएं हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में एक दो स्थानों पर बारिश होने के आसार है, जबकि राजस्थान, विदर्भ और तटीय आंध्र प्रदेश में लू का प्रकोप जारी रह सकता है। देश के कई राज्यों में आंधी के साथ बारिश की संभावनाएं। दोस्तों संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के द्वारा कि देश के कई राज्यों में, कई शहरों में आगामी 3 से 4 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। गर्मी से झुलसते देश को मानसून का बेसब्री से इंतजार है। बीते सप्ताह ओडिशा में चक्रवात का कहर रहा, जिसके चलते कई राज्यों में आंधी एवं बारिश देखी गई। तापमान में भी गिरावट आई, लेकिन चक्रवात का असर कम होने के बाद तापमान फिर से अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा। इधर संभावना जताई जा रही है कि देश के राज्यों में, कई शहरों में आने वाले 3 से 4 दिनों में मौसम में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। वेदर फोरकास्ट एजेंसी स्काईमेट के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR, आसाम, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में कई शहरों में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। दिल्ली NCR में होगी बारिश। तो 10 मई से मानसून पूर्व गतिविधियों का एक नया सिलसिला शुरू होने की संभावनाएं हैं। शुरुआत में 10 और 11 मई को धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश व दिल्ली NCR और अन्य क्षेत्र प्रभावित होंगे, लेकिन आगे इन गतिविधियों की तीव्रता में वृद्धि होगी। 12 और 13 मई को दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश और गरज के साथ बारिश होगी। चूंकि यह प्री मानसून सीजन है, यह बारिश ज़्यादातर देर दोपहर या शाम के समय होती है। तेज वर्षा के कारण क्षेत्र के दिन और रात के तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट देखी जाएगी। वहीं दोस्तों मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में बारिश संभव हो। विदर्भ अभी भी हीट वेव की चपेट में है, हालांकि दक्षिण पश्चिम हवाओं के प्रवाह के कारण पिछले 24 घंटों में मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। इन हवाओं से विदर्भ में पश्चिमी हिस्सों से गर्मी से खत्म होने की संभावनाएं हैं। साथ ही वास्तव में ये आर्द्र हवाएं उत्तरी अरब सागर से निकलती है और गुजरात के उत्तर मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की ओर चली जाती है। उप मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 10 मई तक पूरे राज्य में शुष्क मौसम की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा 11 मई से मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की बारिश शुरू हो सकती है। इस अवधि के दौरान दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद 13 मई को मौसम शुष्क हो जाएगा, जबकि 16 और 17 मई को राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। यह बारिश विदर्भ, मराठवाड़ा के ऊपर या कुंड के कारण होगी और आंतरिक कर्नाटक तक बढ़ेगी। विदर्भ के कुछ हिस्सों में हीटवेव की स्थिति लगातार 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी, जिसके बाद आगामी बारिश के कारण मौसम खराब हो जाएगा। दिन का तापमान 3 से 4 और 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडराने लगेगा। पंजाब, हरियाणा में बदलेगा मौसम। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के राज्यों में 3 और 4 मई के आसपास कुछ अच्छी बारिश हुई है, हालांकि बाद में शुष्क मौसम सामान्य से ऊपर या सामान्य से अधिक तापमान वाले क्षेत्र पर बना रहा है। पहले 3 दिनों के लिए यानी 10 से 12 मई के बीच मौसम की गतिविधियां ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में आंधी, बिजली और धूल भरी आंधी तक सीमित रहेगी। दिल्ली NCR क्षेत्र में भी इस दौरान बारिश देखने को मिलेगी। इस बीच 13 से 16 मई के बीच इन क्षेत्रों में व्यापक बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, क्योंकि मौसम की गतिविधियों में तीव्रता और प्रसार दोनों बढ़ेंगे और 17 मई को भी कुछ बौछारें देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यह लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग का और बड़ा अपडेट है, यानी कि कल से मौसम में होने वाला बड़ा परिवर्तन, खास करके पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान इन क्षेत्रों में हो सकती है भारी बारिश आंधी तूफान के साथ। तो शुरू हो रहा है दौर प्री मानसून का, तो सतर्क रहे, सावधान रहे। साथ ही अच्छी खबर है, गर्मी से राहत मिलने की है और लोगों को बेसब्री से इंतजार है बारिश का। तो बने रहे नमस्ते इंडिया न्यूज़ के साथ। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी की अपडेट एवं अलर्ट खबरों से और आप जानते रहे सभी खबरों को। तो वीडियो को जैसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।